पाली में तूफान की आशंका को लेकर जिला प्रशासन हुआ सतर्क। जिला कलेक्टर अंशदीप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जानकारी। जिला कलेक्टर अंशदीप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक में अस्पताल एवं ऑक्सीजन प्लांट पर जनरेटर सेट लगाने के दिए निर्देश। नगर पालिका में पंचायत अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा कि जिले के सभी उपखंड अधिकारी सहित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद, आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां कार्रवाई की जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि पाली जिले में किसी को इस तूफानी अपना किसी को परेशानी ना हो। ये थी डीडी टुडे के लिए तख्तगढ़ से बरकत खां की रिपोर्ट। तूफान आने वाले हैं वो गुजरात हिट करेंगे और पूरी संभावना है कि दक्षिणी राजस्थान, जिसके अंदर पाली जिला भी हिस्सा है, यहाँ पर भी हिट करने की पूरी संभावना है। आज शाम से लेकर अगले 3 दिन का पूर्ण रूप से क्राइसिस का सिचुएशन का फोरकास्ट किया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से हम लोगों ने अपनी तरफ से व्यवस्था ये की है कि जितने भी हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर डीजी सेट्स लगवाए जा रहे हैं। आज शाम तक समस्त जगहों को डीजी सेट्स लगाए जाएंगे। बांगड़ के अंदर जहाँ पर भी एक डीजी सेट है, हम 2 सेट्स और लगवा रहे हैं। पाली शहर के अंदर ESI का हॉस्पिटल है, वहाँ ऑटो स्टार्ट वाला डीजी सेट है। रोटरी के अंदर है, वहाँ पर डीजी सेट ऑलरेडी लग चुका है। जितने हमारे सैटेलाइट लोकेशन है वहाँ पर डीजी सेट लगाए जा चुके हैं। साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट की जनरेशन की 2 यूनिट्स हैं, वहाँ पर भी डीजी सेट्स की व्यवस्था आज शाम तक पूर्ण रूप से तैयार करवानी जाएगी ताकि ऑक्सीजन की कहीं भी समस्या ना आए। इसके साथ ही साथ जो मूवमेंट का प्लान है, मूवमेंट के हिसाब से हो सकता है तूफान के कारण कोई पेड़ उखड़ जाए, सड़कें ब्लॉक हो जाए या समस्या हो जाए, उसके हिसाब से सभी फील्ड टीम्स को बताया जा चुका है। उनके पास जितने संसाधन हैं, चाहे JCB हो, ट्रैक्टर हो, चाहे मानव संसाधन है, चाहे तैराक हो और गोताखोर हो, उन सभी को मिला के उनकी संसाधनों की सूची पूर्ण रूप से तैयार करवा के रखाई गई। कंट्रोल रूम 24 घंटा चालू रहेगा। सिविल डिफेंस SDRF की टीम जो जिला स्तर पर है वो भी पूरा तरीके से तैयार रहेगी। कहीं भी आवश्यकता होती है तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी किसी प्रकार की आपदा है उससे बचा जा सके।